योग, लिसन टू मी योग, कर्ण से रोको ना। योग, योग मेरी बात सुन। क्या कर रहा है यार, तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने अंदर पेपर्स क्यों साइन किए और अब ऐसे भाग रहे हो? एटलीस्ट लिसन टू अस। अरे सुनने के लिए बचा क्या है? यही चाहते थे ना पापा कि मैं इस कंपनी को छोड़ दूं, रिजाइन कर दूं, तो मैंने वही किया। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है सबको? वन सेकंड, व्हाट? तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि पापा ये सब चाहते हैं? रूही, अगर ऐसा नहीं होता ना, तो जब वहां मेरी बेइज्जती हो रही थी, वहां खड़े होकर पापा सुनते नहीं चुपचाप। वो सपोर्ट करते, इन्वेस्टर्स को बोलते कि ये युग की कंपनी है और वो इस कंपनी का हिस्सा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने, और करेंगे भी क्यों? मैं उनका खून नहीं हूं, मैं पराया हूं। पराया? युग, वन सेकंड, आई नीड टू गेट दिस स्ट्रेट। तुमने एक बार भी उन्हें मौका तक नहीं दिया। पापा इस कंपनी के एमडी है युग, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तुमने ना ब्लंडर किया है। हाँ, तुम्हारे लिए चाहे वो छोटी सी एक गोली हो, लेकिन उसने ना पापा को फंसा दिया है बुरी तरह से। और इस प्रॉब्लम में भी, इतने प्रेशर में भी वो सॉल्यूशन निकाल रहे थे, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी, अपने मन की किया। क्या तुमने एक बार मुझसे पूछा, करण से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं ना, तुमने बस इन्वेस्टर्स की बात सुनी और जाके रिजाइन कर दिया। साइन कर दिए पेपर्स, क्यों योग? सही कहा तूने, मैंने ब्लंडर किया है ना, यही लगता है ना सबको, और तुम सबको यही लगता है कि मेरी वजह से तुम सब प्रॉब्लम में हो, पापा प्रॉब्लम में है। योग तो ठीक है, सही किया मैंने साइन करके पेपर्स। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम हो कोई। मैं बस, मुझे नहीं रहना इस कंपनी में, मुझे नहीं आना है पापा के सामने। तुम ना, मैं नहीं आऊंगा। सॉरी युग, युग वन सेकंड लिसन। युग, हो क्या गया था? युग, युग, रोही, करण, युग कहाँ? मनिया अंकल, I really don't understand what's wrong with him. इस युग को हो क्या गया है? हम दोनों ने कब से उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है कि सुनी नहीं रहा, निकल गया यहाँ से। मैं बात करता हूँ युग से, वो ऐसे वॉकआउट नहीं कर सकता। नहीं नहीं, करण करण करण, अभी टाइम सही नहीं है, लेट कूल डाउन, मैं बात करूंगा उससे। और रोहित, तुम रमन के साथ रहो, वो बहुत टेंस्ड है। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि रमन मुझसे बहुत ही अपसेट होगा, क्योंकि आलिया युग मेरे यहाँ ठहरे हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि बात और बिगड़े, इसलिए बेहतर ये है कि कुछ दिनों के लिए मैं उससे दूर रहूं। ओके, लेकिन किसी चीज़ की जरूरत होगी, लेट मी नो। ओके, थैंक यू। ओके, करण, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, ये सब हो क्या रहा है? युग को अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है बार बार? समथिंग्स रियली रॉन्ग विद हिम। उसे वो पेपर साइन नहीं करने चाहिए थे। पागल हो गया क्या युग? आके साइन करके चला गया? रमन प्लीज काम डाउन, हमें भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि उसने क्यों किया है। आपको नहीं मालूम, रमन उसने रिजाइन किया है आपके लिए, क्योंकि उसे भी यही समझ में आ रहा था कि आपको उसका रेजिग्नेशन चाहिए, वो आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अरे ये क्या स्टूपिड लॉजिक है इशिता, मैं क्यों चाहूंगा कि वो रिजाइन करे? क्योंकि आज आपने कुछ भी नहीं कहा। अरे कहने का मौका कहां दिया उसने मुझे? इससे पहले मैं कुछ कहता, वो रिजाइन करके चला गया। और ऑनेस्टली इशिता, देखो, मैं अपने बेटे के खातिर अपने इन्वेस्टर्स के सामने अनप्रोफेशनल बिहेव नहीं कर सकता हूं। मैं इस कंपनी का एमडी हूं, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे उन्हें जवाब देना पड़ता है। आई ट्राई टू बाय सम टाइम फॉर हिम, लेकिन आके उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। रमन प्लीज, विल यू काम डाउन नाउ? करण गया है ना बात करने के लिए उससे, वो उसे लेकर आएगा, तो आप आमने सामने बात करना। एंड लिसन, अभी रमन हमें सोल्यूशन निकालना है, उसकी गलतियां आप दोबारा मत निकालना प्लीज। युग कहाँ है करण? वो नहीं आया, चला गया ना वो। अरे क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम है उस लड़के को? डांटो तो आलिया के साथ ड्राइव पे निकल जाता है, फिर अपने ससुराल जाके बैठ जाता है, अब सीईओ की पोस्ट से जाके रिजाइन कर दिया उसके। पागल हो गया क्या वो लड़का? ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहा है इशिता? अरे गलती की है, उसे एक्सेप्ट करो, सुधारो उसे और आगे बढ़ो। लगता है उसे पकड़कर समझाना पड़ेगा। कहाँ है वो? कहाँ है? मनी अंकल के घर पे गया है। चला गया फिर से अपने ससुराल। तो क्या हुआ रमन? हम चल के उससे वहाँ पे बात कर लेते हैं। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा इशिता। आपको नहीं जाना? ठीक है, आप मत जाओ, मैं जाके बात करूंगी। तू भी बात नहीं करेगी, कोई बात नहीं करेगा उससे। अब मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। तुम सबके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। क्या?
तुमने रिजाइन दे दिया, पर क्यों? अरे तो और क्या करता आलिया, कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता कि मैं भल्ला कंपनी में काम करूं, तो बस यार फिर दे दिया मैंने रिजाइन। और पापा, पापा ने नहीं रोका तुम्हें? युग, वो क्यों रोकेंगे आलिया, आदि नहीं हूं मैं, उनके बेटे जैसे दिखने वाला बस एक लड़का हूं जिस पे तरस खा के उन्होंने अपने घर में जगह दे दी। आलिया, ना पापा ने रोका और ना तरफदारी की, इन्वेस्टर्स बस अपनी मनमानी कर रहे थे और पापा वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। युग, I'm sure ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं पापा से बात करती हूं। आलिया बस बस प्लीज सुनो, मेरे लिए अभी सब खत्म हो चुका है और तुम प्लीज अब तुम इस टॉपिक को लेके कुछ बात नहीं करोगी। युग प्लीज एक बार सोचो ना, पापा ऐसा क्यों करेंगे, जरूर कोई कंफ्यूजन है ना, मैं अम्मा से बात करती हूँ, वो जरूर बताएंगे कि हुआ क्या है, प्लीज। नहीं नहीं, किसी को कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, और प्लीज ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे, ओके? तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है ना? कौन सी हूँ? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर ये बात सिर्फ कंपनी की नहीं है, ये बात हमारी फैमिली की है, we have to talk। अरे आलिया बस प्लीज। आलिया, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करती हो ना तो तुम फोन नहीं करोगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। युग सुनो तो, आलिया युग घर पे है, हमारे लिए 2 कप कॉफी बना लोगे प्लीज? जी अप्पा। थैंक्स। युग कैसे हो? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा, अगर आप मेरी रेजिग्नेशन को लेके बात करने वाले हो तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन तो लो। तो पापा प्लीज, मुझे उस बारे में सच्ची कोई बात नहीं करनी है, आई एम रियली सॉरी। हाँ, आपने देखा यू कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे क्या करना चाहिए? आलिया युग अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, डिस्टर्ब्ड है, हर्ट है, हम सब जानते हैं कि वो कितना समझदार है, डोंट वरी, उसे थोड़ा वक्त देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। I just hope so. Check and game made. क्या बात है अरिजीत, मानना पड़ेगा कमाल की गेम खेलते हो तुम अरिजीत, वैसे भल्ला फैमिली को हिला के रख दिया तुमने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मल्होत्रा, इससे पहले कि भल्लास को कुछ पता चलता मैंने उनका ध्यान भटका दिया। क्या पता चलता? वो क्या, वो वही क्या? वही अरिजीत, अरे वही मल्होत्रा। क्या प्रोजेक्ट का पोटेंशियल? ओ कम ऑन मल्होत्रा, तुम तो जानते ही हो ये भल्लास वाटर प्रोजेक्ट पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है, मिनिस्ट्री में भी उनकी तारीफें हो रही है, और तुम ये बात भी जानते हो कि जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस पार्टनर पे आपकी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। ट्रू। ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कहीं वो आपसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, तो बस वही बात है कि इस प्रोजेक्ट से उनको दूर रखना है, तो उनका ध्यान भटका दिया मैंने। तो मतलब इसका ये हुआ कि वाटर प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिलना तो दूर, अब उन्हें इस प्रोजेक्ट के लॉस को भरने में जुटना पड़ेगा। क्या बात है यार, क्या गेम खेलते हो यार तुम, कमाल के हो यार तुम। यार एक बात कहूं, मुझे ना तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हें ना इस गेम में कोई हरा नहीं सकता। मल्होत्रा वैसे तुम इस गेम में हारे नहीं हो अभी तक, एक मूव है जिससे तुम्हारा राजा बच सकता है। हाँ, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि होलसेलर से मेडिसिन मिल गई है। आप फिक्र मत कीजिए, 3 महीने तक सब कुछ अंडर कंट्रोल ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थिया, एक्चुअली आप नीति का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीति आपके साथ बहुत खुश है। इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैं जब तक नीति के साथ हूँ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।
इशिता भल्ला, अब अपने परिवार को संभाल कर दिखाओ। मैं देखता हूँ तुम्हें मेरी बेटी के पीछे आने के लिए कितना टाइम मिलता है। एक तरफ तुम्हारा ऑफिस पानी में डूब रहा है और दूसरी तरफ बाप और बेटे का ईगो आसमान छू रहा है। ट्रस्ट मी, तुम्हें इन सब से फुर्सत भी नहीं मिलेगी। वैसे इस ड्रामे में एक और तड़का लग जाए ना तो और मजा आ जाए। क्या करूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।